नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत आप सभी का टेक्नी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप भी अपने घड़ी पर अपने फोटोज़ को लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल का दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको काफ़ी कमाल का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो घड़ी है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और आप इस तरीके से अपने फ़ोन पर भी इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो गुलाब के फूल दिखते हैं, जहाँ पर हमारे जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिले, मतलब जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उसके नीचे आपको यहाँ पर घास भी दिख जाती है जो कि काफ़ी कमाल की लगती है और जो फोटो है वो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन में इस तरीके से अपने घड़ी पर अपने फोटोज़ को लगाना चाहते हैं और इस वॉलपेपर को भी सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप इस सेटिंग्स को अपने फ़ोन में अप्लाई कर पाएंगे और इस घड़ी को अपने फ़ोन में लगा पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे बड़े ही आसानी से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर आपकी जो लोडिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको चार घड़ी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जो सबसे अच्छी घड़ी है, हालांकि सारी घड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी घड़ी है वो है पहले नंबर की, जिस पर लिखा हुआ है फोटो क्लॉक। तो हम इसी पर क्लिक करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई फोटो लगी दिखेगी, लेकिन मैंने उस फोटोज़ को हटा दिया था क्योंकि मैंने इससे पहले चेक करके देखा था, तो यहाँ पर दूसरा बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा देखिए फोटोज़ का, तो आपको फोटोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, पहला है गैलरी, कैमरा और डिलीट। तो डिलीट भी आप कर सकते हैं, अगर आपने कोई फोटो लगा दिया है तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गैलरी से फोटो लेने वाले हैं तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे गैलरी पर। और गैलरी पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई फ़ोटो अपना ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा फ़ोटो अच्छा है, तो हम यहाँ पर इस फोटोज़ को रखने वाले हैं। तो इस फोटोज़ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सजेशन मिल रहा है कि आप किस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फोटो दिख जाएगा, लेकिन अभी ये एडजस्ट नहीं है तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। आप इसे जूम इन या फिर जूम आउट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके से आप लोग को रखना हो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि किस तरीके से ये अच्छा दिखेगा, तो हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, फेस भी अच्छी तरीके से दिख रहा है और जो प्ले बटन है हमारा वो भी अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है देखिए नीचे के साइड पे टेक्स्ट का, मतलब अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अपने चैनल का नाम ही डाल देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक न्यू इन्फॉर्मेशन, और लिखने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट भी मिल जाते हैं, मतलब राइटिंग मिल जाती है, आप जिस भी फॉन्ट में लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पर बड़ा करके देखते हैं, तो हम यहाँ पर ये वाला रखने वाले हैं, ये वाला ठीक लग रहा है, तो हम ये वाला रखने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसे। और बड़ा करने के बाद आपको इसे थोड़ा नीचे रखना है, अगर आप इसे यहाँ पर सेट कर देंगे तो ये फ़ोटोज़ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब ये सेट होगा आपके वॉलपेपर में तो ये ऊपर चला जाता है। तो हम यहाँ पर रखने वाले हैं, और यहाँ पर रखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर के साइड पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट वॉल का, तो आपको सेट वॉल पर क्लिक करना है। हालांकि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम इसे वाइट ही रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखिए सेट वॉल पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप सेट वॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, मतलब अभी ये सेट हो चुका है, मतलब अभी ये वॉलपेपर सेट नहीं हुआ है, ये वॉलपेपर बन चुका है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है सेट वॉलपेपर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे कहाँ पर सेट करना चाहते हैं, मतलब होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं या फिर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों पर सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे, तो हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे। अब ये जो वॉलपेपर है वो आपके फ़ोन पर सेट हो चुका है, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो हम बैक आते हैं, और बैक आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि आपको नीचे लिखना है, तो नीचे मैंने इसलिए बताया था कि क्योंकि अभी ये यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट आ चुका है, अगर आप इसे ऊपर लिखते तो ये ठीक तरीके से नहीं आ पाता, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है अगर आप नीचे साइड पर देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरे आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरे आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ घंटी के आइकन को भी दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।